कोरबा के ACCL मुड़ापार कब्रिस्तान में पिछले 21 सालों से अपनी सेवा दे रहे तकियादार मोहम्मद इस्लाम और उनका पूरा परिवार कब्र बनाने का काम करते आ रहे हैं। मुस्लिम समाज में किसी व्यक्ति की मौत होने पर सुपर्दे काफ कफन दफन किया जाता है। जिस कब्रिस्तान से कब्र खोदने बुलाया जाता है वहां वो खुद या परिवार के सदस्य जाकर कब्र बनाते हैं, जिसके एवज में मजदूरी मिलती है, उससे घर का पालन पोषण करते हैं। कोरोना काल के दूसरी लहर में पूरी सावधानी से कब्र बनाने के बाद वहां से दूर हो जाते थे। परिजन पीपी किट के साथ कोरोना संक्रमित व्यक्ति का कफन दफन करते थे। मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि कई बार ऐसे गरीब का भी कफन दफन किया गया जिनके पास कफन तक के पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में कमेटी अपने खर्च पर पूरा कफन दफन का इंतजाम करती है। मैं करीबन 20-21 साल हो गए कब्र बनाते और इस बीच में 11-12 साल मैयत दफन कर चुका हूँ। अभी कब्रिस्तान में मैं दफन नहीं करता हूँ, पहले कोरबा कब्रिस्तान में, और अभी जहाँ पे भी बुलाते हैं वहाँ मैं चला जाता हूँ। मेरा नाती है, उनको भेज देता हूँ अगर मैं नहीं जा पाता हूँ तो। अब उसमें क्या है कि यहाँ तो ज़्यादा नहीं आए हैं मैयत उस तरह के, कोई का नहीं आया, उतना 4-5 ही आए होंगे, बाकी बाहर बाहर में होता है। अब हमारी सुरक्षा यह है कि पहले हम लोग कब्र बना लेते हैं, उसके बाद बढ़ जाते हैं वहाँ से, उसके बाद उनके परिवार के लोग और कुछ समाज के लोग आते हैं, पूरा मतलब कोविड का जो किट लगता है उसको पहन करके वो लोग दफन करते हैं। उसका कोई मतलब फिक्स नहीं है, जो भी दे दे जो दे दे। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कोई होता ही नहीं जिसका, तो उसको भी हम लोग अपनी तरफ से दफन करते हैं। ऐसा बहुत से वाक्य है जब क्या नाम है उनका कोई है ही नहीं और हम लोगों को मतलब बनाना पड़ा है कब्र। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसानों के पास गरीबी इतना है कि कब्र बनाने तक का पैसा नहीं होता। समाज के लोग आते हैं, बहुत से लोग जो आ करके बताते हैं सब जा करके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।